हेलो फ्रेंड्स, घरेलू आयुर्वेद में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही अहम और बहुत ज़्यादा खास है। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपने चेहरे पर आए रोम छिद्रों से छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि जो आपके चेहरे पर ओपन पोर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके चेहरे पर गड्ढे पड़ने लग जाते हैं, आप उसकी समस्या से इस नुस्खे द्वारा निजात पा सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, जब हमारी चेहरे पर ज़्यादा धूप लगने लगती है या हमारे चेहरे पर डर्ट बैठने लग जाता है, डेड स्किन जमने लगती है, धीरे धीरे करके जब हमारी स्किन ऑयली होने लग जाती है, सबसे बड़ा कारण होता है ओपन पोर्स का हमारी स्किन का ऑयली होना। जब हमारी स्किन पे ऑयलीनेस आने लगती है, यानी कि जब हमारी तेलीय त्वचा हो जाती है, तो उस पर जो धूल मिट्टी बैठती है वो हमारे रोम छिद्रों के अंदर जाकर के समाती है, जिसकी वजह से जो हमारे रोम छिद्र होते हैं वो धीरे धीरे करके खुलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, वह उसके अंदर गंदगी बैठ जाती है, तो वो अंदर से बड़े ही हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़े समय बाद जाकर के हमारे चेहरे पर गड्ढे भी पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा नुस्खा बना करके बताऊंगा, वो भी सिर्फ घरेलू सामग्री द्वारा, जो कि हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, ताकि आप कुछ भी इस वीडियो की टिप्स को मिस ना कर पाएं। तो फ्रेंड, आपको करना क्या है, इस वीडियो के अंदर हम जो सबसे पहले लेंगे बेसन। जी हाँ फ्रेंड, हमें बेसन लेना है। ये आपको 1 से 1.5 चम्मच ले लेना है बेसन चंदन पाउडर का। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, चंदन पाउडर जो है वो राजा महाराजाओं के टाइम से ही यूज़ होता हुआ आ रहा है, क्योंकि हमारे चेहरे के ग्लो के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है। फ्रेंड, 1 चम्मच हम इसके अंदर चंदन पाउडर का ले लेंगे। डाबर गुलाब जल। फ्रेंड, जो गुलाब जल जो होता है, ये हमारे रोम छिद्रों को अंदर तक जाकर के डीप क्लींजिंग करता है, यानी कि उसके अंदर से सफाइयाँ करता है, जितनी भी धूल प्रदूषण बैठती है हमारे चेहरे से उनको हटाता है, साथ ही साथ ये हमारे रोम छिद्रों की सफाई करके उनको कोमल बनाता है व मुलायम बनाता है, जिससे कि आपकी जो स्किन होती है वो और भी ज़्यादा यंग व जवान आप दिखने लगते हैं। इसको दोस्तों आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड, आपको अच्छे तरीके से इसको 25 से 30 सेकंड तक अच्छे तरीके से चलाना है। फ्रेंड, अब ये जो पेस्ट है अच्छे तरीके से बन करके तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको अपने चेहरे पर अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने चेहरे को और अपनी उंगलियों को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, ताकि इनमें कुछ भी बैक्टीरियाज ना लगे रह जाएँ। और इससे पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे से धो लेना है, ताकि उसमें से सारा धूल प्रदूषण निकल जाए और साथ ही साथ आपके चेहरे से बैक्टीरियाज भी हट जाए। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि जो हमने पेस्ट बनाया है, इस पेस्ट को आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। इस तरीके से आपको अपनी 3 उंगलियां लेनी है जो कि आपने साफ करी थी, उस उंगलियों को इस तरीके से इसमें डिप करना है, और फिर जिस एरिया पे आपके रोम छिद्र है, चाहे वो आपके नाक के ऊपर हो यानी कि नोज की साइड में, या आपके गाल पे, वैसे ज़्यादातर लोगों के गाल पे होता है, आप देख लीजिए कि मैंने कितना सा लिया है। सिर्फ आपको इस तरीके से 3 उंगली डालनी है और इस तरीके से हल्का सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको किस तरीके से सुखाना है। जब आप इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे अपने चेहरे पे, जहाँ पे आपके रोम छिद्र हैं, उसके बाद आपको ना तो हवा में बैठना है, ना ही आपको धूप में बैठना है, ना ही आपको कोई फ़ैन चालू करना है, आपको इसको नॉर्मली नेचुरल तरीके से सूखने के लिए छोड़ देना है। दोस्तों, जब ये धीरे धीरे करके सूखने लगेगा, तब आप समझ जाइएगा कि जो है अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया है, और आपके जो रोम छिद्र हैं वो धीरे धीरे करके टाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे और अंदर से वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके चेहरे की स्किन यानी कि आपकी त्वचा पहले की तरह जवान व यंग दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको पूरे 1 घंटे बाद इस तरीके से इसको रखना है, और आपको 40 मिनट के अंदर धो लेना है, और 1 घंटे के प्रोसेस के अंदर आपको 5 मिनट के लिए आइस मसाज जरूर करनी है। इसे हफ्ते में आप 3 से 4 बार जरूर कीजिए। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए खास नुस्खा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू गाइज।